नमस्कार सभी को, दार क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है अपना कृषि या एग्रीकल्चर। तो इसका अपने भारत में बहुत पुराना इतिहास है कृषि के बारे में। मतलब अपने जो वेद हैं, पुराण हैं, उनमें भी कृषि का उल्लेख मिलता है और बहुत विस्तार रूप से मिलता है। कैसे वो लोग पुराने ज़माने में या आदिकाल में या वेदों के ज़माने में कृषि क्रियाएं करते थे और कृषि का महत्व क्या था उनके लिए, कैसे कृषि उत्पादन, फसल उत्पादन, मछली पालन, पशुपालन वो करते थे, उनको हर चीज़ की सटीक जानकारी थी। और अपने जो इतिहास की बात करें तो अपने जो अपने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, जो इनकी खुदाई हुई है उनमें जुते हुए खेत मिले हैं, मतलब अनाज को स्टोर करने के कंटेनर मिले हैं। और जो पुरानी जो जैसे पुरानी खेती की विधियां जैसे मिक्स क्रॉपिंग की और वो मिली है, जुता हुआ खेत मिला है। इसी प्रकार से अपन एक अपने भारत में एग्रीकल्चर का क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। अपने जो भारत में लगभग 70% जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई है या कृषि से संबंधित जो कार्य हैं उनसे जुड़ी हुई है। और मतलब नई नई तकनीकी डेवलप होती जा रही है कृषि में और नई नई तकनीकी से अलग अलग तरीके से नए नए रूप से मतलब खेती का विस्तार होता जा रहा है। तो खेती करके एक तो जो अपनी जनसंख्या है उसका मतलब उसके लिए रहन सहन, उसका पेट भरना, उसके लिए कपड़े, उसके लिए दूध की उपलब्धता बढ़ाना, फलों की उपलब्धता बढ़ाना, ये सब मतलब खेती का मतलब खेती इतनी मतलब बड़ा विस्तार, मतलब ये सब्जेक्ट इतना विस्तार है इसमें कि मतलब ये अनंत है, इसमें कोई अंत नहीं है इसका। तो आज मैं आपको केवल एग्रीकल्चर मतलब एक शब्द है कृषि या एग्रीकल्चर तो उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। ये जो खेती जो कृषि है, जो हिंदी में जो अपना वर्ड है कृषि, वो कृषि शब्द संस्कृत भाषा के कृष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है कृष धातु का अर्थ है खेत को जोतना या आकर्षित करना या प्राप्त करना। और इसमें जो इन प्रत्यय लगा है, इन प्रत्यय लग करके ये कृषि शब्द कृष धातु में इन प्रत्यय लग करके कृषि शब्द बना है। इसका मतलब है मृदा को जोत करके फसल प्राप्त करना। ये अपने जो संस्कृत भाषा में जो कृष धातु से जो शब्द बनाया इसका मतलब है, जो हिंदी में जो अपना कृषि शब्द है इसका मतलब। अब इसका अर्थ है कि मृदा को जोत करके कृषि क्रियाएं करके फसल प्राप्त करना। अब अपन देखते हैं जो एग्रीकल्चर जो इंग्लिश में जो इंग्लिश का वर्ड है उसके बारे में जानकारी अपन प्राप्त करते हैं। एग्रीकल्चर जो इंग्लिश वर्ड है वो लिया गया है लैटिन भाषा से। इसको दो भागों में दो शब्दों से मिलकर बना है एग्रीकल्चर। पहला है एगर या एग्री, जिसका मतलब है कि मृदा या भूमि, और कल्चरा का मतलब है कृषि कार्य करना, भूमि पर या मृदा पर कृषि कार्य करके उसकी जुताई कर करके फसल लेना, फसल प्राप्त करना, ये एग्रीकल्चर कहलाता है। एग्रीकल्चर सामान्यतः कृषि जीवन निर्वाह और अपने अन्य कार्यों, अन्य जो पूर्ति है, जो खाद्यान्न है जैसे अनाज है उनकी पूर्ति के लिए और अन्य जो विधियाँ गतिविधियाँ हैं उनकी पूर्ति के लिए जो कार्य करते हैं उसे एग्रीकल्चर कहा जाता है। एग्रीकल्चर का इतिहास मतलब बहुत बड़ा है। एक किताब है डॉक्टर MS रंधावा, उन्होंने एक किताब लिखी है भारत का इतिहास, भारत का कृषि, भारत की कृषि का इतिहास। इसमें मतलब उन्होंने भारतीय कृषि पर एक किताब लिखी है, बहुत मतलब उसमें खूब सारी
जानकारी है, खूब सा मतलब बहुत कृषि के बारे में विस्तार से अहमद चंदावा ने किताब लिखी है, उसमें विस्तार से बता रखा है सब कुछ। तो अपने जो भारत में जो कृषि है उसका इतिहास बहुत लंबा है, वेदों में, पुराणों में, महाभारत काल में कृषि के बारे में बताया गया है, और इसका इम्पोर्टेंस भी अपने जो मंदिर है वहाँ पे फूलों के लिए, फल फ्रूट के लिए भगवान की पूजा करते हैं तो भी अपने को फल फूल और इनकी आवश्यकता होती है उन, तो इस प्रकार से ये अपने कृषि का पूरा इतिहास। थैंक यू।